गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस टॉपिक. हम हमारा जो प्रीवियस टॉपिक है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर. इन अर्लियर क्लास स्टूडेंट वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट. ठीक है, मीन्स इन हाउ मेनी वेज अ शेयर होल्डर कैन पे मनी टू द कंपनी. ठीक है, वी डिस्कस्ड दैट देयर मे बी टू पैटर्न्स. वन इज पार्टली पेमेंट एंड नेक्स्ट इज फुल पेमेंट, मीन्स लमसम पेमेंट. तो इन पार्टली पेमेंट्स वी हैव टू डिस्कस सम पॉइंट्स. हम पार्टली पेमेंट्स के कुछ पॉइंट्स को हमको डिस्कस करना पड़ेगा, तो हम उन्हीं पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, पार्टली पेमेंट में व्हाट वी स्टडीड, हमने ये पढ़ा था कि कुछ अमाउंट कंपनी डिसाइड करेगी कि ओके इतने रुपए आपको देने, फिर इतने रुपए देने, फिर इतने रुपए देने, मतलब कुछ स्पेसिफिक अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी पार्ट्स में. ठीक है, तो उन्हीं पार्ट्स को अपन फर्दर स्टडी करते हैं कि किसको क्या बोलते हैं. तो व्हेनेवर द फर्स्ट पेमेंट मेड बाय शेयर होल्डर टू दी कंपनी, जब भी शेयर होल्डर पेमेंट फर्स्ट टाइम पेमेंट करता है कंपनी को, तो उस पेमेंट को अपन क्या बोलते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी. वी कॉल इट एज शेयर एप्लीकेशन मनी. ठीक है, इन सेकेंड पेमेंट वुड बी नोन एज शेयर अलॉटमेंट मनी. फर्स्ट पेमेंट इज नोन एज शेयर एप्लीकेशन मनी, सेकेंड पेमेंट इज नोन एज शेयर अलॉटमेंट मनी. एंड व्हेन थर्ड पेमेंट वॉज टू बी मेड, या थर्ड पेमेंट जब भी होती है, वी कॉल इट एज शेयर फर्स्ट कॉल. फोर्थ नंबर पे पेमेंट होती है तो शेयर सेकेंड कॉल, ऐसे चलता जाता है. जैसे फोर्थ पेमेंट के बाद फिफ्थ पेमेंट आई तो उसको क्या बोल देंगे, शेयर थर्ड कॉल. फिर अगर आगे पेमेंट आई तो उसको कंटिन्यूएशन कर देंगे. मीन्स व्हाट डू वी गेट इट, हमको क्या समझ में आया कि अगर फर्स्ट पेमेंट होती है तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, सेकेंड पेमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, देन वी स्टार्टेड विथ कॉल्स. जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि उसके बाद कॉल्स स्टार्ट हो जाते हैं. अलॉटमेंट के बाद आप पैसे दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल, फिर बोलेंगे सेकेंड कॉल, फिर बोलेंगे थर्ड कॉल, और जो भी लास्ट पेमेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फाइनल कॉल. जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल की एक कंपनी है, वो शेयर इशू कर रही है. कितने शेयर इशू कर रही है, 1000 शेयर्स को इशू कर रही है. तो दीज आर दी नंबर ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट नंबर पे अपन बोलते हैं कि एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10 ईच, मतलब सामने वाली पार्टी जो है वो कितने रुपए देगी, 10 रुपीज़ एक शेयर पे देगी. कितने रुपए देगी, 10 रुपीज़. अब 10 रुपीज़ जो पेमेंट करना है उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, दो पार्ट्स. मींस पेमेंट या तो लमसम में हो सकती है, या तो पेमेंट कैसे हो सकती है, इंस्टॉलमेंट में हो सकती है. कैसे हो सकती है, या तो लमसम में या तो इंस्टॉलमेंट में. लमसम में अपन को कुछ सोचना ही नहीं है, लमसम में सारा के सारा पेमेंट क्या होता है, वन टाइम, एक बार में ही सारे के सारे 10 रुपये आप दे दोगे. नेक्स्ट वॉज इंस्टॉलमेंट पेमेंट. नेक्स्ट जो होता है वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है. तो इंस्टॉलमेंट में जस्ट अज्यूम कंपनी ने डिसाइड करा कि सबसे पहले शेयर होल्डर को देने हैं 2 रुपीज़, देन हम मंगाएंगे 3 रुपीज़, देन हम मंगाएंगे 2 रुपीज़, देन हम कॉल करेंगे 3 रुपीज़. ओके, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम पेमेंट करोगे तो उसको क्या बोलोगे, कितने रुपये दोगे, 2 रुपीज़, देन 3 रुपीज़, देन 2 रुपीज़, एंड अल्टीमेटली 3 रुपीज़. तो जब भी हम अब टोटल देखो, मान लिया कंपनी ने 2 और 3 5 5 और 2 7 7 और 3 10, मतलब पूरे 10 रुपीज़ को उन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि फर्स्ट टाइम में 2 रुपीज़ मांगेंगे, सेकेंड टाइम में 3 रुपीज़, थर्ड टाइम में 2 रुपीज़ और फोर्थ टाइम में 3 रुपीज़. तो अभी जो फर्स्ट पेमेंट होता है इस अमाउंट को अपन क्या बोलेंगे, 2 रुपीज़ जो है कंपनी ने वो काय पे कॉल किए हैं, एप्लीकेशन मनी. मीन्स 2 रुपीज़ वुड बी योर शेयर एप्लीकेशन मनी, समझ गए. सेकेंड पेमेंट को अपन क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट. क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी. अभी मैं एंड थोड़ी देर से समझाऊंगी कि इसको एप्लीकेशन और इसको अलॉटमेंट ही क्यों बोलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज एप्लीकेशन मनी, सेकेंड इज अलॉटमेंट मनी, थर्ड नंबर पे जो है, थर्ड से क्या स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास, कॉल स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो 2 रुपीज़ है इसको अपन क्या बोल देंगे, फर्स्ट कॉल. क्या बोलेंगे अपन इसको, फर्स्ट कॉल. फिर 3 रुपीज़ को क्या बोल देंगे, सेकेंड कॉल. क्या बोल देंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल. फाइनल कॉल क्यों, क्योंकि ये 3 रुपीज़ कॉल करने के बाद आगे हम कॉल नहीं करने वाले, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, फाइनल वर्ड भी ऐड कर देते हैं साथ में, समझे. ओके, तो ये एग्जांपल इजी था. अब आप कुछ और एग्जांपल अपने मन से लेके कीजिएगा. और एक काम करती हूँ, मैं समझा देती हूँ एक कोई एग्जांपल. जस्ट अज्यूम कंपनी ने कॉल किए कितने रुपीज़, 50 रुपीज़. एक शेयर पे आपको कितने रुपये चाहिए, 50 रुपीज़ चाहिए. तो पेमेंट के मोड कैसे हो जाएंगे, देयर बी टू मोड्स. मीन्स लमसम में भी पेमेंट कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो. तो लमसम में अगर आप पेमेंट करोगे तो वन टाइम सारे 15 रुपीज़ पे कर दोगे. ओके, अब हम करते हैं इंस्टॉलमेंट की बात. तो इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने बोला 2 रुपीज़ दो, 3 रुपीज़ दो, 2 रुपीज़ दो,
3 रुपीज़ दो और 2 रुपीज़ दो, जस्ट अज्यूम कंपनी ने ये डिसाइड किया। तो सबसे पहले जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है 2 रुपीज़ का, इसको अपन क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन मनी, क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन। थर्ड नंबर पे आया उसको जो 3 रुपीज़ हैं, सॉरी सेकेंड नंबर पे, उसको क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी। फिर इसके बाद अपन जो अमाउंट बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, यहाँ से कॉल स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट कॉल, ये सेकेंड कॉल, ये थर्ड कॉल और ये फाइनल कॉल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यही चीज़ एग्ज़ाम में हमको करनी है जर्नल एंट्री के फॉर्म में। ओके, थैंक यू।